पार्क में उड़ीसा और यूपी के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ और उड़ीसा की टीम सुबह ऑल आउट हो गई थी 226 रन पे। इसके जवाब में जब उत्तर प्रदेश की टीम आई खेलने और तो उसके खिलाड़ियों ने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। यही कारण था कि प्रियम गर्ग जो लोकल हीरो है उन्हें 122 रन बना के आउट हुए। रिंकू सिंह अभी बैटिंग कर रहे हैं 73 रन पे और अभी जिस तरह से बढ़त ली है इन्होंने अभी 56 रन की बढ़त ली है और कल का खेल निर्णायक साबित होगा यूपी कितने रनों की बढ़त लेगा इसको लेकर देखा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियम गर्ग जब बैटिंग कर रहे थे 122 पे खेल रहे थे तभी एक रन लेने के चक्कर में वो गिरे और चोटी लोगे और रन आउट भी हुए और इसी के बाद आज का मैच खत्म हुआ। फिलहाल मैच अभी बराबर की स्थिति में है और उड़ीसा की टीम इस उम्मीद से है कि कल हम यूपी की टीम को जल्दी आउट करें ताकि बढ़त कम हो और मैच को रोमांचक बनाया जाए। शतक मारने की बधाई। क्या सोचा था जब आप क्रीज पे गए थे? कोई भी प्लान नहीं था ऐसे, बट यही था कि टीम का प्लान कि जितना लंबा खेलेंगे उतना फायदा हमारे। तो आपको क्या जो जीवनदान मिला आपको तो आपको क्या लगा कि इसको और आगे बढ़ाना क्या? आप हमेशा यही प्लान रहता है कि आपको जो भी चांसेस मिलते हैं उसे कन्वर्ट करो आप बड़े स्कोर में। तो चोट कैसे लगी आपको? फिसल गया था अंदर। अच्छा, कॉल आपकी नहीं थी? कॉल मेरी थी। अच्छा, रिंकू ने क्या बॉल देखी नहीं? तो वो अंदर ही तो पता था ना कि देखी नहीं देखी। अच्छा, तो क्या बता रहे डॉक्टर, ज़्यादा कोई सीरियस तो नहीं है? नहीं, ठीक हो जाएगा। अपनी स्टेट के लिए 100 बनाओ तो हमेशा प्राउड फील होता है। अच्छा, शतक लगाने के बाद सब बल्ला उठाते हैं, आपने वो इशारा किया वो क्या था? वो मेरे जो ग्राउंड्स मैनेजर जिन्होंने इतनी मेहनत की और उनके लिए था वो। अच्छा, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि हम रन बनाते हैं बट हमेशा जो हेल्प करते पीछे वो हमेशा उनके लिए। तो वो क्या शाबाशी का साइन था या कुछ और था? उनकी शाबाशी का ही था वो। अच्छा, कितना टारगेट होना चाहिए, मतलब जैसे आपने लीड ले ली है और मैच को किस दिशा में आप देख रहे हैं? अभी तो विकेट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अभी तो अच्छा विकेट है, कल देखते हैं कि क्या रिएक्ट करता है विकेट, उसके बाद प्लान करते हैं। बॉलिंग हुई कल भी आपने अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन विकेट नहीं मिला था, आज आप क्या सोच के आए थे पिच पे कि कैसा रहेगी बॉलिंग, क्या कोई प्लान बना के आए थे? नहीं, कल अच्छी थी बट मतलब मैं क्लोज नहीं डाल रहा था बैट्समैन के, क्योंकि अभी जैसे क्रिकेट खेल के आया था बीच में T20, तो थोड़ा वो इससे पहले रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, 3 मैच खेल चुका था तो अच्छा रिदम बना हुआ था, बट एकदम आते हैं T20 से थोड़ा सा होता है, तो बट आज यही था कि क्लोज टू द स्टंप जितना खिलाया जाए उतना अच्छा है, अच्छे एरियाज में और अच्छे एरियाज में गिरी और इसलिए विकेट्स मिले। इससे मदद भी मिली आपको? नहीं, पिच से इतना मदद नहीं था बट बॉल नहीं होता तो थोड़ा हार्ड रहता है तो जाता है थोड़ा सा, तो स्विंग भी मिलता है तो वो चीज़ था। अब क्या लग रहा है आपको जो आज आप लोगों ने इतनी आपने बढ़त भी ले ली है, अब आप लोग क्या लग रहा है कि टारगेट कितना तक ले जाएंगे? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं लीड उतना फ़ायदा है कि उन्हें फिर नेक्स्ट इनिंग में ऑल आउट कर सके। तो पिच में भी जान है? नहीं है। नहीं, पिच अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, थोड़ा सा स्लो तो होगा ओबियसली, जो चलता जाएगा 2-3 दिन में जब जाके स्लो होता ही है विकेट, बट हाँ विकेट वैसे अच्छा। कातलाना बॉलिंग की, कल भी की थी 2 विकेट लिए के शुरुआत की थी तुमने, आज क्या रहा तुम जब सुबह आए तो क्या सोच के आए थे तुम? सर बस कुछ नहीं सर, यही प्लान था कि राइट एरियाज पे बॉल डालना है बाकी, और फिर यही था कम से कम स्कोर पर स्ट्रेट करना है जिससे फिर हमारे लिए मैच में लीड लेने का फायदा हो आगे चल के। तो आज सुबह क्या पिच से मदद मिली तुम लोगों? हाँ जी सर, पिच से मदद थी, नया बॉल यूज में था तो सर काफ़ी हेल्प रहा। तो तुमको लगा था कि बॉल गिरे तो उससे हमें रिजल्ट मिला सर? तुमको लगा कि तुम 3 विकेट आज लेके सबसे ज़्यादा 5 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए? ऐसा कुछ विकेट का तो नहीं था, बस सर यही था कि राइट एरिया से बॉल डाल के टीम को जल्दी से जल्दी रिस्ट्रिक्ट करना है। अब क्या लग रहा है आपको कि अब पिच फ्लैट हो गई पूरी? नहीं सर, हमारे बैट्समैन अच्छा खेले हैं सर इसलिए। अब बॉल स्पिन भी कर रही है ज़्यादा क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ बॉल अभी तो डिफरेंस नहीं दिखाई दिया लेकिन हमारे बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग करी। आज आपने 3 विकेट लिए और 3 विकेट आपके हिस्से में, आपको क्या लग रहा है कि अभी विकेट लेके आपके क्या मन में प्लानिंग है कि इसको कैसे जल्दी निपटाएंगे हम? वही सुबह थोड़ा यहाँ ठंड ज़्यादा है तो सुबह जैसे यूज़ करेंगे वेदर का यूज़ करेंगे तो अगर सुबह का 1-2 विकेट मिल जाता तो हम लोग के लिए अच्छा है टीम के लिए। जैसे आज आप लोग साथ हुआ कि सुबह के मौसम ने आप लोग को बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, तो वही चीज़ सुबह वही हम लोग भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे विकेट लेने के लिए। पिच को मदद मिली पिच से? पिच थोड़ा थोड़ा मिला, नया बॉल से मिला थोड़ा क्योंकि बहुत पाटा है विकेट, अच्छा विकेट बैटिंग के लिए आपको तो पता है, ट्राई करते हैं।
कैमरामैन विवेक तुम्हारे साथ में, ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।